उपभोक्ता दिवस जो कि अधिकांश जिले में होता है, विधायक के प्रयास से पहली बार इंदौर की देपालपुर तहसील में इन दिनों कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए नापतोल विभाग, कृषि कल्याण विभाग, बिजली विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के साथ अन्य विभागों के स्टॉल भी लगे थे, जिसमें जानकारियां बताई जा रही थी और सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपभोक्ता आयोजन में शामिल हुए थे। सभी अतिथियों ने मां सरस्वती की तस्वीर पर हार पहनाकर दीप प्रज्वलित किया, पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की जानकारी के साथ जिला उपभोक्ताओं के अधिकार की जानकारी दी, तो नापतोल विभाग में उपभोक्ताओं को जागरूक रहकर अपने अधिकार को जानना चाहिए और पेट्रोल पंप कांटे बाट पर भी निगरानी रखना चाहिए। इस दौरान फ्रूट इंस्पेक्टर दिलीप मनवारे व अंकुर गुप्ता ने सारे विभागों पर रोशनी डालते हुए अन्य जानकारी दी। विधायक विशाल पटेल ने भी कहा कि पहले देश में जब मनमोहन सिंह जी के समय सबसे महत्वपूर्ण जनता के लिए कानून बनाया, जिसे सूचना का अधिकार कहते हैं, एक 10 रुपए की टिकट लगाकर कोई भी गोपनीय जानकारी को छोड़ सभी जानकारी पन्नों की राशि देकर निकाल सकता है। मुझे जैसे ही ज्ञात हुआ कि 24 दिसंबर आने वाला है, मैंने तुरंत एसडीएम साहब और हमारे सभी अधिकारियों से बात करी और ये उपभोक्ता दिवस हमेशा मनाया जाता था तहसील जिला स्तर पर, लेकिन जब मुझे जानकारी लगी कि यह तहसील स्तर पर ये कभी हुआ ही नहीं, मैंने सबको तुरंत बुलाया गया, कलेक्टर साहब से मैंने बात करी और उसको ग्रामीण क्षेत्र में कैसे लगे, तहसील स्तर पर कैसे हो, आम जनता को कैसे सुविधाएँ मिल सकते हैं और कहाँ कहाँ वो ठगाते हैं उससे कैसे उनको निजात पा सके, इस चीज़ का जो विवरण यहाँ पूरा दिया गया और यहाँ और भी स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, उनको किस चीज़ से वो वंचित रह जाते हैं सरकारी योजनाओं से के माध्यम से, जो हम सब आम जनता की जो सेवा करते हैं जनप्रतिनिधिगण, वो कहीं ना कहीं आम जनता इन सुविधाओं से दूर रहती है। तो आज उन सब का लेकर हम सब ने यहाँ आयोजन रखा है, उस आयोजन में सफलतापूर्वक आयोजन भी हुआ है और हर एक व्यक्ति खुश है कि इस प्रकार की काफ़ी लोगों के फीडबैक भी हम लोगों को ऐसे मिले हैं कि इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों को तो जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार के जो आयोजन हैं ये तहसील स्तर पर न होते हुए और छोटे स्तर पर भी हो, ताकि हर गांव का व्यक्ति जागरूक हो सके। ये व्यक्ति विशेष मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक जनप्रतिनिधि के नाते ये मेरा दायित्व है, हर एक व्यक्ति का अधिकार उसको कैसे मिले और सरकार की हर एक योजना का क्रियान्वयन अंतिम छोर तक कैसे पहुंचे, इसका पूरा इस तरीके से सजग हूं और आम जनता की सेवा करने में सदैव तैयार हूं। देपालपुर से दीपक सेन की रिपोर्ट।